अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये अभी वहीं का क्लिप है, यानी कि पिंडी में अभी मैं स्टिल थी, तो वहीं का ये लास्ट वाला क्लिप था। यहाँ पे मैं आई जी DHA फेस 2 में। यहाँ पे डेलिकेटिस्टन के नाम से एक रेस्टोरेंट है, इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया था कि आप हमारे रेस्टोरेंट पर आएँ और हमारा फूड ट्राई करें। उन लोगों को भी बताएँ, जो भी पिंडी में रहने वाले हैं वो इनका फूड ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं जब यहाँ पे पहुँची तो एक तो मुझे इनका रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये छोटा सा एक फ़ास्ट फूड का रेस्टोरेंट है और मुझे इनकी इंटीरियर भी बहुत अच्छा लगा। और लाइव कुकिंग करते हैं, ये नहीं कि किचन में छुपा के बैक साइड पे जो भी गंद जो भी पक रहा है, ऐसा नहीं था। लाइव बना रहे थे इनके शेफ खड़े होके, और ये सारे जो इनके ऑनर हैं मुझे सारा बता रहे थे कि हम यहाँ पे ओवन है और वहाँ पे फलां चीज़ है, तो ये सारा मुझे बता रहे थे। और यकीन करें कि मुझे मैं ये नहीं कि मैं यहाँ पे इन्होंने मुझे इनवाइट किया तो मैं इनकी तारीफ़ कर रही हूँ। आप इनका पिज़्ज़ा मंगा के देखें, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं इनकी। इनका मोल्टन लावा बर्गर जो है वो बहुत मज़े का है, पिज़्ज़ा बहुत मज़े के हैं, और हर चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त थी और मुझे यकीन करें बहुत पसंद आया। हालांकि मैंने वहाँ पे ब्रॉडवे पिज़्ज़ा और चीज़ भी मंगवा के देखा है, बट इनका टेस्ट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। इनकी नई नई अभी मतलब नए नए काम है, नई नई इनका नए नए रेस्टोरेंट है, तो उसको अभी प्रमोट कर रहे हैं, अभी प्रमोशन में लगे हैं, क्योंकि बिल्कुल नया नया इन्होंने बनाया है। तो इसलिए इन लोगों ने मुझे भी इन्वाइट किया था कि आप हमारे रेस्टोरेंट पर आएँ, विज़िट करें और बताएँ लोगों को। तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे आप ऑर्डर करें, बहुत रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें हैं और बहुत अच्छा इनका रेस्टोरेंट है। यहाँ पे इनके शेफ़ जो है वो खाना वगैरह सारा मतलब जो भी फ़ास्ट फूड है वो बेक कर रहे थे, बेसिकली फ़ास्ट फूड का है। चाय बहुत अच्छी मिलती है, बहुत अच्छा है इनका। तो इनका जो लिंक है वो मैं डाल दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में, और इनका नंबर वगैरह जो भी है वो मैं ऐड कर दूँगी। तो आप लोग मेरे कहने पर पिंडी वाले स्पेशली वो ज़रूर विज़िट कीजिएगा या फिर ऑर्डर घर पर करा लीजिएगा। इसके बाद अंकल और आंटी जो हैं इनके ऑनर, वो भी आ गए थे मुझसे मिलने, उनका घर भी साथ ही था तो वो मुझसे मिलने आ गए थे। तो इनकी बेटी जो है वो इंग्लैंड में है, उन्होंने ही बेसिकली मुझे इनवाइट कराया था यहाँ पे, मतलब मैं इनवाइटेड थी यहाँ पे। तो बस बैठे थे हम लोग, बातें कर रहे थे, और बहुत अच्छा लगा इन अंकल और आंटी से मिल के, बहुत ही अच्छा लगा था। और यहाँ जी मैं अपनी फ़ाइनल शॉपिंग जो है कर रही थी, क्योंकि मुझे निकलना था घर। वैसे तो घर मैं परसों से ही आ चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि मैं किस चीज़ में इतनी बिज़ी हो गई थी कि मैं बिल्कुल व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी कल। बस यहाँ पे मैं फ़ाइनल चीज़ें जो हैं वो ले रही थी, ये नीचे ही कुछ स्टोर्स हैं तो उस पर मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग जो है वो कर रही थी। अभी जी है मेरा वापसी का सफ़र, तो मैं वापस जा रही हूँ। आज भी वैसे इनका नहीं था प्रोग्राम जाने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वहाँ पे काम होते हैं तो वो हर वक्त वहाँ पे नहीं रहते, कुछ दिनों के लिए जाते हैं, उनको जाना पड़ता है पिंडी या इस्लामाबाद। तो इस बारी भी उनको ज़्यादा काम थे तो खैर वहीं रह गए। अब मुल्तान में हम वापस खैर से आ चुके हैं, मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं। ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और दूध था नहीं घर पर, और दूध था भी सही तो उसकी मैं आगे कहानी बताती हूँ कि क्या वजह थी कि दूध भी सारा ख़राब हो गया, हर चीज़ ख़राब हो गई थी फ्रिज के अंदर। बहरहाल अभी तो मैं बना रही हूँ चाय, और दूध वाले को कॉल की थी, उसने फ्रेश दूध ला के दिया, क्योंकि मेरा वैसे भी पहले का अगर दूध पड़ा हो तो मुझे उस चाय का मज़ा ही नहीं आता है, तो फ्रेश दूध की चाय का अपना ही मज़ा है। तो यहाँ पर जी मैं अभी अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए चाय बना रही हूँ। Thank you.
और आपको पता है कि जैसे ही घर से कुछ दिनों के लिए भी चले जाओ तो वापसी पे इतना बुरा हाल होता है घर का कि जिसकी कोई हद नहीं। बहरहाल अभी तो मैं चाय पी रही हूँ और चाय आज वैसे बड़े मज़े की बनी थी और मैंने विदाउट शुगर आज चाय बनाई थी। तो जी हुआ कुछ यूं कि रात को 1:30 से 2 बजे जब हम घर पहुंचे थे तो जैसे ही हम लोगों ने दरवाज़ा खोला तो फ्रिज के पास सारा डाइनिंग एरिया पे ब्लड ही ब्लड था, सारा ब्लड था और इतनी ज़्यादा बुरी स्मेल आ रही थी कि हम लोग एक दफ़ा तो डर गए कि ये क्या है, ये क्या हो गया है। तो हुआ ये था आई थिंक कि फ्रीज़र में से जो है वो बर्फ़ ज़्यादा आइस वो जमी है तो दरवाज़ा उसका डबल डोर है तो एक दरवाज़ा ना उसका खुला रह गया हल्का सा, तो वहाँ से जो डिफ्रॉस्ट होना शुरू हुआ गोश्त उसका, चिकन भी था मटन भी था, सारा उसका ब्लड जो है ना ऊपर से डिफ्रॉस्ट होके सारा लिक्विड जो है ना वो सारा नीचे आ गया था। डाइनिंग एरिया पूरा ब्लड से भरा हुआ था, इतना मुझे खौफ आया। और खैर बाद में मुझे समझ आ गई कि क्या था और स्मेल भी बहुत ज़्यादा थी कि पता नहीं जैसे बस बहुत बुरी स्मेल थी। बहरहाल मैंने रात को उसको थोड़ा बहुत फ़िक्स किया लेकिन मुझे चाय नहीं आ रहा था। जैसे ही सुबह हुई मैंने चाय बनाई, चाय बनाने के बाद मैंने सारा फ्रिज पकड़ के ना पहली बार आज मैंने अपने फ्रिज को धोया है, पानी से धोया है क्योंकि स्मेल ख़त्म ही नहीं हो रही थी। गोश्त मैंने सारा फेंक दिया और चिकन भी सारा फेंक दिया तो ये हुआ था। बहरहाल चीज़ें फ़िक्स हो गई हैं, अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ चीज़ें जो कि मैं लेकर आई हूँ और चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये जी मैंने कुछ बॉक्सेस लिए थे, ये बॉक्सेस एक तो मसालों में भी बहुत अच्छे काम कर जाते हैं, दूसरा फ्रिज में जो है वो जैसे कि मैं कटोरियों में रख देती हूँ या मैं तो खैर मेरी आदत नहीं है, मैं चाहती हूँ कि ऐसे लिड वाले ही डब्बे होने चाहिए जिसमें चीज़ें रखी होनी चाहिए, लेकिन ये कि घर में कोई और हो जैसे सोनिया है या मेरी बेटी है तो वो रख देते हैं, इसलिए मैंने अब ज़्यादा डब्बे ला के रखे हैं कि सख्ती से मना है बिना कवर किए कोई चीज़ भी फ्रिज में नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह बड़े प्यारे प्यारे लंच बॉक्स आइडिया के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे बॉक्सेज जो है ना वो मैं लेकर आई हूँ और यहाँ पे डस्टर में लेकर आई हूँ। मैं जब भी वहाँ जाती हूँ तो मुझे वहाँ के डस्टर बहुत अच्छे लगते हैं, ये एक साइड पर टॉवल टाइप होता है दूसरी साइड पर नरम से ऐसे डस्टर होता है तो बड़ी अच्छी इससे डस्टिंग हो जाती है। ये मैंने एक छोटा सा वास लिया है डाइनिंग टेबल के लिए, ये मैं सेटिंग करूँगी तो फिर दिखाऊँगी। और ये मैंने एक चीनी का लिया है, सेट बना लिया था, वैसे तो लूज में सारे मिल रहे थे तो मैंने चार चार का ही मतलब घर के लिए मैंने सेट ले लिया है, वाइट ऑफ वाइट सा कलर है तो बहुत प्यारा मतलब मुझे लगता है ये वाइट हो ऑफ वाइट हो, मेरे पास थी भी नहीं ना प्लेन में तो मैंने कहा चले मैं प्लेन में अब ले जाती हूँ। तो वैसे तो डिज़ाइन भी बहुत सारे थे लेकिन मैंने कहा नहीं अब मैं प्लेन में लूँगी, मैंने प्लेन बहुत अरसा हो गया और प्लेन में ये है कि वो चल भी जाता है, किसी के साथ मैच भी हो जाता है। तो ये दो डोंगे मैंने लिए हैं, चार मैंने सालन वाली प्लेटें ली हैं, चार मैंने छोटी डिज़र्ट वाली और चार मैंने पुलाव वाली बड़ी प्लेटें ली हैं। तो इस तरह चार चार का मैंने सेट बना लिया है और इस तरह से पूरा एक सेट बन गया। एक डिश भी मैंने छोटी सी ले ली थी और ये मैंने छलना स्ट्रेनर लिया है, बड़ा प्यारा सा इसका हैंडल भी है और बड़ा मजबूत किस्म का ये स्ट्रेनर है, तो ये मैंने ले लिया बिरयानी वगैरह बनाते हैं या कुछ भी ड्रेन करने के लिए बहुत अच्छा है ये। इसके बाद ये मैंने ली कढ़ाई, ये स्टेन स्टील और जो मिक्स होता है ना एल्युमिनियम उसके मैंने ली है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। अच्छा प्राइस मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ की नहीं बता रही क्योंकि जब मैं प्राइस बताती हूँ तो लोग समझते हैं कि शायद मैं बड़ा कोई शो ऑफ कर रही हूँ, तो प्राइस मैं नहीं बताऊँगी, आप जाके खुद ही चेक कर सकते हैं क्या प्राइसेज हैं। अब जो चीज़ें मैं लाई हूँ वो तो ज़ाहरी बात है मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा ये मैंने टिन ओपनर लिया था, ये मैंने छोटी कढ़ाई ली है नॉन स्टिक की और ये उससे छोटी है, मेरे पास नॉन स्टिक की बड़ी कढ़ाइयाँ हैं वो भी ख़राब हो चुकी हैं तो ये छोटी मैं लेकर आई हूँ। और अभी जी मैं बना रही हूँ एक फटाफट से एक रैप बना रही हूँ क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, सुबह से ही मैं कामों में लगी हुई थी। तो मैंने क्या किया कि चिकन को मैंने छोटा छोटा सा काट लिया था और मैंने हल्का सा पैन में ऑयल डाला और इसमें 1 चम्मच टिक्का मसाला और 2 चम्मच मैंने सिरका डाला है, बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। इसको मैं कुक होने के लिए रख दूंगी ताकि ये कुक हो जाए और बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, ये बिल्कुल फटाफट क्विक वाले रैप बनेंगे। यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ,
अब क्योंकि जी फ्रिज में तो सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी थी, मैंने फेंक दी थी। सब्ज़ियाँ तो खैर थी भी नहीं, थोड़ा बहुत चिकन था, थोड़ा बहुत मटन था, और फिर मैंने चिकन भी मंगवा लिया और मैंने वेजिटेबल्स भी मंगा ली थी क्योंकि वेजिटेबल्स का बहुत दिल कर रहा था। तो बस मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स काट लिए। आपके पास जो भी घर में वेजिटेबल्स अवेलेबल हों आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने यूज़ की हैं आप भी वही करें। अगर कर लें तो ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि वेजिटेबल्स का ज़्यादा मज़ा आता है, रैप हों या रोल हों या बर्गर हों, जैसे सब्वे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ खीरे लंबे लंबे काट लिए थे, शिमला मिर्च काट लिए, एक आधी काटी है, मेरी बेटी को ज़्यादा पसंद नहीं है। और यहाँ पे गाजरें भी मैं लंबी लंबी सी काट रही हूँ जूलियन कटिंग में। अब मैं इसमें सॉस डालने लगी हूँ, तो ये चीज़ क्रीम चीज़ है, इसका मैं एक चम्मच डालूँगी, और ये रैंच ड्रेसिंग है, इसका भी मैं एक चम्मच डालूँगी। आप चाहें तो आप अपनी पसंद से सॉसेस डाल सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी, ये मैं स्पाइसी मेयो लेकर आई थी, ये मैं वहीं से लेकर आई हूँ, तो मैं ये ऐड कर दूँगी तकरीबन एक चम्मच। और एक चम्मच ही मैं इसमें बड़े वाला जो चम्मच है केचप का ऐड कर दूँगी, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये हमारा सैलेड जो है वो रेडी हो चुका है। अब चलते हैं जी रैप की तरफ। चिकन जो है वो पक चुका था तकरीबन, उसको 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे मैंने रखा था तो वो पक गया था। ये टॉर्टिला रैप जो है ये मैं लेकर आई थी वहीं से, क्योंकि मुल्तान में ये नहीं मिलती और मैं काफ़ी टाइम से इसको ढूंढ रही थी मुल्तान में, बट मुझे नहीं मिल रही थी, वहाँ से मिल गई तो मैं लेकर आई थी। मैं 3 पैकेट लेकर आई हूँ कि मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो इनका टेस्ट डिफरेंट होता है, आप चाहें तो रोटी भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका टेस्ट आई थिंक ज़रा सा डिफरेंट होता है। मैंने क्या किया कि दरमियान में सैलेड रखा है, उसके ऊपर मैंने चिकन रखा है, इसके ऊपर मैं एक स्लाइस रख दूँगी जी चीज़ का, और फिर इसको मैं बर्गर की तरह इसको रैप कर दूँगी। मैं इसको रोल में भी बनाऊँगी और मैं इसको बर्गर की तरह का भी बनाऊँगी। ये बच्चों के लिए बहुत ईजी रह जाता है हैंडल करना, बच्चे इसको बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं, आप इनको स्कूल में भी बना के दे सकते हैं। तो इस तरह मैं सारे करके रैप बना लूँगी पहले। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारे बना लिए थे। इसके बाद मैंने फ्राई पैन को हल्का सा गर्म किया, हल्का सा मैंने इसमें ऑयल डाला था, और ये जो रैप मैंने बनाए हैं ये मैं इसी में रख दूँगी, इसको सेक लूँगी। अच्छा, आपके पास ग्रिल पैन हो या ग्रिल सैंडविच वाला हो आप उसमें भी हल्का सा इसको सेक सकते हो, इसलिए कि चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी और इसकी बाइंडिंग जो है वह अच्छे से हो जाती है। तो इस तरह से आप बनाएं, आपको मज़ा आ जाएगा और बच्चों के लिए हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। बाकी अभी जो भी एक आध रैप का सामान बचा था, मैंने ये पोर्शन वाला जो है डब्बा, ये भी मैं वहीं से लेकर आई हूँ, तो मैंने इसमें रख दिया कि ये आसानी हो जाती है। तो बस इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे जी ये थोड़े से ना कलर इनमें आ चुके हैं, ये पक चुके हैं, चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसको काट के दिखाऊँगी ये कितने ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अब जी मैं आपको दिखा देती हूँ बाकी की चीज़ें। तो ये मैंने लिए थे कप्स, और मैं अपने और अपने हस्बैंड के दो दो कप ले लेती हूँ, ज़्यादा मैं 3-3 नहीं लेती क्योंकि फिर मेरे घर में बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, और अभी भी मेरे पास बहुत सारे कप्स हैं,
फिर भी मैं 3 सेट और लेकर आ गई हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टीमर एक लिया था, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मतलब इस तरह के लोकर भी मिलते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। और ये मैंने कुछ डिज़र्ट के लिए मैंने कुछ छोटे छोटे से बॉल लिए हैं और ये बड़े प्यारे से लगते हैं, मुझे काफ़ी पसंद आए हैं। और ये सर्विंग के लिए मैंने कुछ लिए हैं प्लेट्स, ये ब्लू पॉटरी जैसे उस टाइप की लगती हैं, ब्लू पॉटरी तो नहीं है बट डिज़ाइन थोड़ा सा उसी टाइप का है, लेकिन इसकी चीनी जो है ना बहुत अच्छी है और इस तरह का डिज़ाइन है। और मैंने कुछ शादी के लिए भी चीज़ें ली हैं, आप उसके चैनल में जाके देखिएगा कि मैं उसके लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। और बस इस तरह से मैंने ये बॉक्सेस कुछ ले लिए हैं, ये लंच बॉक्स में भी दिए जा सकते हैं और वैसे भी आप इनको फ्रिज में भी इनको रख सकते हैं। ये मैंने कुछ रुमाल लिए हैं और ये मैंने मिट्टी का एक बोल लिया है, मुझे बड़ा प्यारा लगा था, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये मैंने डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग्स लिए हैं। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें ऐसी ली हैं जो यहाँ से मिल जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी ली हैं जो यहाँ से नहीं मिलती। तो ये रुमाल तो खैर यहाँ से मिल जाते हैं लेकिन मैंने वहाँ से ले लिए हैं, मुझे लगता है कि वहाँ की अक्सर चीज़ों की क्वालिटी जो हाउस होल्ड यूज़ के लिए होती हैं चीज़ें वो ज़्यादा अच्छी हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि चलो मैं घूमने आई हूँ तो मैं अपने लिए कुछ भी और नहीं लिया, मैं हमेशा किचन की चीज़ें ही ज़्यादातर लेती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी ब्रांड्स जो हैं कपड़ों के लिए वो तो यहाँ भी सारे ही ब्रांड्स हैं, तो मैं इसलिए वहाँ पे ऐसा कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं लेती, तो मैं ऐसी चीज़ें ज़्यादा ले लेती हूँ। बस ये है जी मेरा सारा सामान जो कि मैं लेकर आई हूँ, एक दफ़ा फिर आपको सारा दिखा देती हूँ और अब मैं इसको यूज़ करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी। और नई नई चीज़ें लेके बड़ा मज़ा आता है, मुझे इतनी खुशी होती है ना इन चीज़ों को देख के। और अभी जी मैं जो ग्रॉसरी वाली चीज़ें हैं वो भी मैं अपनी निकालूँगी, क्योंकि मैं दालें वगैरह ना इकट्ठी लेकर आ गई थी कि मेरे 2-3 महीने चल जाएंगे, उसके बाद शायद कोई एक आध चक्कर लग जाए। तो यहाँ पे मैंने ये लिए हैं जिप लॉक बैग, बड़े वाले मुल्तान से नहीं मिल रहे थे तो मैं बड़े वाले लेकर आई हूँ। और यहाँ पे कुछ दालें हैं जो कि मैं बस रख दूँगी, बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं बेसन वगैरह ये भी मैं वहीं से लेकर आई हूँ। इलायची, अच्छा वहाँ पे इतनी ग्रीन होती है ना, यहाँ पे तो बिल्कुल ही वाइट सी हो चुकी होती है, तो बस मैंने ये चीज़ें ली हैं। और कुछ मैंने ये देखिए हनी लिया है और ये थाई रेड करी पेस्ट जो है ये मैंने लिया है और फिश सॉस मैंने ली है और ये व्हिपिंग क्रीम के लिए कुछ अंदर साशी हैं, मैं अब चेक करूँगी कि ये किस तरह से है। और ये मैंने चॉकलेट चिप लिए हैं और बस इस तरह की चीज़ें मैंने ली हैं जो कि आम घरों में इस्तेमाल होती हैं, तो मुझे आपसे शेयर करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप भी सब वेट कर रहे थे कि मैं क्या क्या लाई हूँ, तो बस मैं फाइनली अब पहुँच चुकी हूँ अपने घर पे, अब घर के ही ब्लॉग आपसे शेयर करूँगी और आपसे चाहूँगी इजाज़त। अभी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।